الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मोहतरम हजरात सुरे शाम से लेकर अब तक नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समात किए मैं भी आप हजरात के लिए चंद लम्हों के लिए हाजिर हुआ हूँ और मेरे बाद नाते नबी और तकरीरें समात करनी है। हजरात शायर कहता है शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा तू खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा तू खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा और आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। और ये भी शेर समात करें कि जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चराग जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चराग बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया मैंने जिस आयत मुबारका को गुफ्तगु का उनवान बनाया और अपने सारे वजूद को मुशर्रफ किया अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम है। हजरात आप गौर तो फरमाए ये ऐसा मजहब है जिसमें दीनी दुनियावी समाजी माशी आयली तमाम मसाइल का हल मौजूद है। मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। अरे इस्लाम का मकसद इंसानी माशरे की इस्लाह और बंदे को खुदा तक पहुँचाना है और दीनी दुनियावी कामयाबी और कमरानी की राहों पर मुजयन करना है। इस्लाम का मकसद इंसानों को जो है मुफीदो तालीमातो हिदायत से मुजयन करना है। इस्लाम का मकसद इंसानों को जो है बिगड़े हुए माहौल से दुरुस्त और पाकीजा करना है। इस्लाम का मकसद इंसानों के दिलों से हवाओ होश के गर्दो गुबार को दूर करना है। इस्लाम का मकसद इंसानों को पस्ती से बुलंदी की तरफ ले जाना है। इस्लाम का मकसद इंसानों को शराब खोरी और जिना की जो है लानतों से नफरत दिलाना है। इस्लाम का मकसद इंसानों को शराब नोशी जैसी लानतों से नफरत दिलाना है। इस्लाम का मकसद इंसानों को हुब्बे रसूल और हुब्बे अहले बैत अतहार की दिलों में जो है मुजय्यन करना है। इस्लाम का मकसद इंसानों को पस्ती से बुलंदी की तरफ ले जाना है। अलगर्ज इस्लाम अपने मानने वाले को जो निजाम हाई जिंदगी अता किया है वह ऐसा आफाकी निजाम और ऐसा आफाकी कानून है जो महद से लेकर लहद तक रोजे आफरीन से लेकर सुबह कयामत तक हर फरजंदाने इस्लाम की हर मोड़ पर रहबरी और रहनुमाई करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे कह लेने दिया जाए अरे मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब
मजहब है जिसका कोई जवाब नहीं। मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसका कोई सानी नहीं। मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसकी कोई मिसाल नहीं। मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसकी कोई नजीर नहीं। इसीलिए तो शायर ने क्या ही खूब फरमाया कि इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ, ये मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है। इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ, ये मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं आपको बहुत ही प्यारी बात बताता हुआ गुजरूं। आप जो है पंजाब की सरजमी पर मुहकमा तालीमात हिदायत जो है एक जो है फौजी अपने दोस्त शेख अजीजुद्दीन साहब से पूछता है, अरे मेरे दोस्त हम जो है काफी अरसे से जो है दोस्ती है, लेकिन ये मुझे बताओ कि तुम जो है मुसलमान हो, तुम्हारे पास इस्लाम की जो है सच्चा जो है मजहब होने की दलील क्या है। शेख अजीजुद्दीन साहब फरमाते हैं, अरे जो है शेख अजीजुद्दीन साहब ना कोई हाफिज थे, ना कोई कारी थे, ना कोई मुफ्ती थे, ना कोई जो है मौलाना थे, लेकिन उन्होंने जो है इस्लाम की हक्कानियत पर जो है दलीलें पेश की। लेकिन जो है वो ईसाई जो है फौजी यहूदी कहता है कि आपने जो है इस्लाम की हक्कानियत पर दलीलें पेश की अपनी जगह पर दुरुस्त है, अपनी जगह पर जो है ठीक है, अपनी जगह पर जो है मुसल्लम है, लेकिन आइए मैं आपको इस्लाम की हक्कानियत पर जो है दलीलें पेश करता हूँ। हमारे जो है इंग्लिस्तान में जो है पार्लियामेंट साजी में तकरीबन 100 मेंबरान की जरूरत पड़ती है। जो बड़े बड़े लाइको फाइद तजर्बाकार काबिल होते हैं वह मुल्क की फलाह पाबूदी के लिए अगर कोई काम जो है अमल में लाते हैं, अगर कोई कानून जो है पूरे मुल्क में नाफिज करने का होता है तो वो अमली तौर पर जो है अपने जो है माशरे में जो है अमली तौर पर लाइहा अमल में लाते हैं और उसके बाद में जो है पूरे मुल्क में नाफिज करते हैं। लेकिन उस कानून को जो है एक सदिया नहीं गुजरती, एक साल नहीं गुजरता, 6 महीने नहीं गुजरते, 2 साल नहीं गुजरते, लेकिन उसमें कमियां आने लगती है, तरह तरह के एतराजात बाकी होने लगते हैं, तरह तरह के जो है तनकीजें होने लगती है। लेकिन तुम्हारे पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत ने, तुम्हारे पैगंबर रहमतुल्लिल आलमीन ने, आमना के लाल ने, अब्दुल्लाह के लखते जिगर ने, पूरी कायनात के रहमतुल्लिल आलमीन ने, आमना के लाल ने, अरे अब्दुल्लाह के लखते जिगर ने, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, काबे के बद्रुद्दोजा ने, जो मक्का की सरजमीन पर मक्का की रेगिस्तान में जो कानून मुरत्तब फरमाया था उस कानून को जो है आज से 14 सदियां गुजर गई लेकिन कानून मुस्तफा पर कोई अंगुश्त नुमाई ही नहीं कर सका। आज से 14 सदियां गुजर गई लेकिन कानून मुस्तफा पर कोई अंगुश्त नुमाई नहीं कर सका। ये इस्लाम की सच्चा मजहब होने की दलील है। इस्लाम की जो है हकानियत पर अपने तो अपने जो है अपने के दुश्मन भी इस्लाम की गवाही देते हैं। और रब तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युअरदु अमालुन नास यौमल इस्नैन व यौमल खमीस फयुगफरु लिकुल्लि अब्दिन अब्दहु इला आखिरिह। सरकारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान की जो है मगफरत हो जाती है, हर जो है हर जुमे में जो है हफ्ते में 2 दिन जो है बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं, एक जो है सोमवार के दिन, एक जो है पीर के दिन और एक जो है जुमरात के दिन। फयुगफरु लिकुल्लि अब्दिन इल्ला बैनहु शहनाउ हत्ता यकून। जो है सरकारे कायनात ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान की मगफिरत हो जाती है सिवाय उसके जो एक जो है दूसरे में जो है बुग्ज़ो इनाद। लेकिन अगर आपस में सुलह कर लेते हैं, राजी हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन सब की मगफिरत अता फरमा देता है।
अज़ीज़ान मिल्लते इस्लामिया उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। मैं अपने गुफ्तगू यहीं पर समेट रहा हूँ। बोलने में जो कुछ भी गलतियाँ हो गई हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तूब अली ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।